सरोकार। देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में स्थित फैजुल्ला गंज वार्ड में आईआईएम रोड स्थित पे एक निजी विद्यालय में शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने 8 किलोमीटर पक्के नाले के निर्माण के लिए 45 करोड़ की लागत से बनी योजना का शिलान्यास किया। साथ ही मंत्री ए के शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्यक्ष रूप से 5 महिलाओं को उनके आवास की चाबी भी सौंपी। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंत्री ए के शर्मा ने डबल इंजन सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि जनता की सेवा के लिए उनकी सरकार हर तरह से कटिबद्ध है। आज फैजुल्लागंज में कई सालों के बाद में इतने बड़ी नाले का जो कार्य किया जा रहा है, क्या है पूरा नाला किस तरीके से हो रहा है? आज का जो कार्यक्रम है इसके लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय नगर विकास मंत्री श्री अरविंद शर्मा जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। फैजुल्लागंज जिसके अंतर्गत 4 नगर निगम के वार्ड आते हैं और जहाँ पर जल भराव की बहुत बड़ी समस्या थी, दशकों से यहाँ के लोग जल भराव की समस्या से जूझ रहे थे और यहाँ पर ताल तलैया बन जाता था बरसात के मौसम में। और अभाव क्या था? अभाव ये था कि यहाँ पर जल निकासी के लिए नाला नहीं था। नाले का प्रस्ताव बनाया गया था और लगभग 9 किलोमीटर, मैं कह सकता हूँ 8.7 किलोमीटर लंबा नाला है ये। इस नाले की लागत लगभग 45 करोड़ रुपए अनुमानित की गई थी और इतनी एकमुश्त राशि उपलब्ध ना होने के कारण ये बनने में इसमें संकट था। मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार का, धन्यवाद देता हूँ आदरणीय मंत्री जी का, जिन्होंने एक दिन में ये अपनी स्वीकृति प्रदान की, सहमति प्रदान की, शासनादेश दिया और ये नाला पूरा का पूरा आज शिलान्यास कर रहे हैं माननीय मंत्री जी। और उससे बन जाएगा तो जो फैजुल्लागंज की प्रमुख समस्या जल भराव की थी वो इससे दूर हो जाएगी। जल भराव की समस्या से जैसे ही दूर होगी तो निश्चित रूप से जल से ही बहुत सारी बीमारियां होती थी वो बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। तो फैजुल्लागंज को एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में देखते हैं हम, इसके लिए निश्चित रूप से सरकार के आभारी हैं। दिनों में ये कार्य अब शुरू होगा और उससे लगभग 1.5 से 2 लाख फैजुल्लागंज क्षेत्र की रहने वाली आबादी जो है लाभान्वित हो। कितने दिन में? साथ ही ऐसा मुझे बताया गया कि लगभग 1 साल के अंदर ये इस नाले का जो काम है वो पूर्ण हो जाएगा। साथ ही बड़े नाले का काम करने के साथ साथ मुझे लगा कि जो छोटी नालियां होती हैं जो मोहल्लों में से वार्डों में से चारों वार्ड में से जो नालियाँ निकलती हैं वहाँ भी अगर कोई अवरोध होगा, रुकावट होगी तो पानी नाले तक पहुंचेगा नहीं, फिर फायदा नहीं। फैजुल्लागंज वार्ड की क्षेत्र की के चारों वार्डों की पानी जल भराव की समस्या बहुत ही पुरानी है और लखनऊ के राजधानी जैसे क्षेत्र की शहर की एक बहुत बड़ी समस्या थी। किसी ने हमको उस शब्द का उपयोग, मैं पता नहीं उचित है या नहीं, लेकिन किसी ने हमको उस समय बताया था कि एक तरह से लखनऊ का कोढ़ है, इसे दूर करना बहुत आवश्यक है। तो लखनऊ की इस बहुत पुरानी समस्या को संयोग से पिछले साल बरसात के दिनों में, मैं जब बरसात हुई थी, अतिवृष्टि हुई थी, उसी दिन मैं निकला था देखने के लिए कि कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं। और उस समय उन्होंने बताया, लोगों ने बताया कि फैजुल्लागंज का जो ये नाला है जब तक इसे ठीक नहीं किया जाएगा तब तक ये समस्या हर वर्ष आती रहती है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ पे मिला है आपको? बढ़िया गांव में। बढ़िया गांव में कितना बड़ा मकान है? 300 स्क्वायर फीट। ये कहाँ पर आपको कौन सी चाबी दी गई है? मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चाबी दी गई है, जो आवास के लिए था हमारा घर, मतलब बनाने के लिए सरकार द्वारा में पैसे मिले हैं और हमारा घर 500 एरिया का था। कोई पैसा वैसा तो नहीं लिया? नो सर, कोई पैसा सरकार की तरफ से मिली है और मेरा ब्लड ठीक पड़ा था। अच्छा, आज दिया गया है? जी, निःशुल्क में मिला है, कोई पैसा नहीं पड़ा? नहीं, कोई पैसा।
कानपुर में हुए अग्निकांड मामले में सभी पार्टियों के दिग्गजों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं इस क्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी भी घटनास्थल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बांस मंडी के सभी कॉम्प्लेक्स की स्थितियों का जायजा लिया और व्यापारियों से उनकी समस्याएं भी सुनी। ब्रजलाल खाबरी ने कहा कि ये व्यापारियों की नहीं जनमानस की समस्या बन गई है। आग बुझाने में इतना लंबे समय लगा कि ये चिंता का विषय है। इसके पीछे जो क्रिमिनोलॉजी है वो कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़े करती है। जनमानस की समस्या बन गई है। आग कैसे लगी कैसे नहीं लगी ये अलग विषय है, लेकिन लगी हुई आग को बुझाने की जो समस्या है उस पर समस्या खड़ी हो गई है। सरकारी तंत्र चाहता, सरकार चाहती तो इतने लंबे समय तक ये आग नहीं जलती रहती। इसके पीछे की जो क्रिमिनोलॉजी है वो कहीं ना कहीं उंगली उठा रही है प्रशासन और सरकार के ऊपर। वैसे भी सरकार जिस तरीके की कारगुजारियों में लिप्त है, लगता है कि इस आग को उन्हें लखनऊ कारागार मुख्यालय के कंट्रोल रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई, जिसमें राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव कारागार और डीजी जेल एसएन साबत ने प्रदेश भर के सभी जेल अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान एसएन साबत ने कहा कि कारागार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, साथ ही इस दौरान जेलों में अनुशासन कायम करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किए जाने, अधिक से अधिक बंदी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस लांस सिस्टम के दायरे में लाए जाने और जेलों में बंद टॉप 10 बंदियों की लिस्ट बनाने तैयारी के निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का यूपी बोर्ड को लेकर एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने योगी सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार सबको साथ लेकर चलती है, कोई जाति धर्म के आधार पर कार्य नहीं होता, लोगों को सभी योजनाओं का लाभ मिलता है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि यूपी बोर्ड की 12वीं की पढ़ाई में कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। एनसीईआरटी राष्ट्रीय नेतृत्व का मुख्य अंग है, जो एनसीईआरटी सिलेबस आएगा उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी। सभी इस बात को जानते हैं कि विपक्ष इस बात को सहन नहीं कर पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार, सभी पक्षों को लेके चलती है, सभी धर्मों को लेके चलती है, सभी वर्गों को लेके चलती है। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, कोई भी योजना ऐसी है जो सभी धर्म जिसका उपयोग नहीं कर रहे हो, फायदा नहीं मिल रहा हो सभी धर्मों को, और यदि वास्तव में कहा जाए तो जितने वैसे लोग हैं जो दूसरी विचारधारा रखते हैं वही सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। मैं यह स्पष्ट बता देना चाहती हूँ, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। जहाँ तक ये है कि मुगलों का इतिहास समाप्त किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रमात्मक तत्व है। और जो लोग इस प्रकार की धारणा फैला रहे हैं उनको मेरा सुझाव है कि पहले तथ्यों की वास्तविक जानकारी ले लें कि 2023 में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन यूपी की सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। एनसीईआरटी की जो भी सिलेबस है उसके आधार पर ही हमारे बच्चे पढ़ाई करेंगे। सपा के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा औरैया जिला पहुंचे, जहां सपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है और कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे विश्वकर्मा समाज पर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, तो वहीं एक बार फिर से रामचरितमानस पर हुए विवाद को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का पक्ष लेते हुए कहा कि विरोध रामचरितमानस की चौपाई का है नहीं है, बल्कि रामचरितमानस का नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि जब रामचरितमानस लिखी गई तब राजतंत्र था, अब लोकतंत्र है, इसलिए वह चौपाई अब स्वीकार नहीं है। आम आदमी की जनहित से हुई योजनाओं का कोई भी जो है विकास कार्य 7 साल की उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार में नहीं होगा। उत्पीड़न लगातार हो रहा है,
कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है और हमारे विश्वकर्मा समाज शर्मा समाज के ऊपर तो सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है। पिछले दिनों हम आए थे औरैया कोतवाली के अंतर्गत, वहाँ पर हुआ था, बगल में एक गांव गए थे, शर्मा लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप सरकारी विद्यालयों में पढ़े छात्र छात्राओं के उनके समग्र विकास, जीवन जीने के तरीके और ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू कराकर उनके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा शहीद स्मारक भ्रमण कराया गया। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन और भारतीय इतिहास के बारे में उन्हें अवगत कराया गया, ताकि बच्चे आगे भविष्य में जाकर देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के साथ साथ अपने आने वाले भविष्य की जिम्मेदारी और क्रांति की मिसाल बने। आज के स्कूल के बच्चे हैं और इन लोगों का ये आज एक एक्सकर्शन कराया गया है। शासन ने ये कार्यक्रम शुरू किए हैं ताकि बच्चों के पढ़ाई को एक समग्र रूप में देखा जा सके और मात्र किसी कक्षा की दीवारों के अंदर और चार किताबों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि एक पूरे जीवन का अनुभव और जीवन जीने की शैली के बारे में ये पूरी एक समग्र शिक्षा हो। तो उसी कड़ी में आज जिन लोगों को यहाँ पर जो मुंशीगंज स्थित शहीद स्थल है वहाँ का एक्सकर्शन कराया गया, वहाँ के महत्व के बारे में बताया गया, ताकि इन बच्चों में ये एहसास हो कि हम लोग जहाँ खड़े हैं, जो हमें अधिक रायबरेली जिले के विकास खंड हरचंदपुर के अंतर्गत बीते साल 2015-16 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों परिवारों को लोहिया आवासों का आवंटन किया गया था, जिसमें सोलर पैनल से लेकर प्रेशर कुकर तक गरीब परिवार को मुहैया कराना था, लेकिन पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा अंतिम धनराशि को इधर उधर कर दिया गया। साथ ही ग्रामीण ने भी ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपका क्या नाम है? बुलारा। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के। कौन गांव है? काकिनपुर। अच्छा, ये जो जहाँ पर खड़ी हैं आप, यहाँ अभी हाल ही में खरिंजा लगा है। अच्छा, लगा है खरिंजा? इमा? हाँ, इमा तो नहीं लगा हमको लागत। अच्छा, कभी लगा है? इमा तो अभी नहीं लगा। अच्छा, इसमें खरिंजा नहीं लगा? वो पैसा पेमेंट हो गया? अच्छा अच्छा ये कौन सा रास्ता है, नाम क्या बोलते हैं इसको? रामचेला घर का मामला रहा है। अच्छा, रामचेला घर की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसका शुरुआत कहाँ से होती है, नाम क्या है उसी के? फिर वो दादा, आपका क्या नाम है? मिश्री लाल। कहाँ के रहने वाले हो? आपका ये जो मकान बना है, आवास बना है, क्या नाम है और कब मिला था आपको ये? तो जाहिर है 6-7 साल आवास था। कौन सा आवास था? लोहिया आवास। इसमें सोलर पैनल वगैरह नहीं लगे हैं? नहीं लगे। क्यों? पता नहीं चाहे उनका। अच्छा, कितना पैसा मिला था मालूम है? मालूम तो हमका नहीं। कौन प्रधान था जब ये आवास मिला था आपको? कल्लू प्रधान। भैया क्या नाम है आपका? अखिलेश। कहाँ रहते हो? सड़केपुर। ये जो आपको कॉलोनी मिली हुई थी? हाँ भैया। ये कितने की कॉलोनी थी? ये भैया 3.5 लाख की है। 3.5 लाख? हाँ भैया। आपको पूरा पैसा मिला था? भैया ये मम्मी के खाते में, मम्मी निकलवाती गई, मैं तो मान लो बाद में आ गई। हाँ, लेकिन पैसा आपको पूरा मिला था? हाँ, मम्मी के खाते में पूरा पैसा आया। अच्छा, पूरा पैसा मिला था, लेकिन आपने सोलर पैनल वगैरह क्योंकि लोहिया कॉलोनी है, पैसा भी कटा है। अच्छा, कहाँ कटा हुआ पैसा? ये पैसा मम्मी बता सकते हैं कि किसको 60,000 रुपये दे रखे हैं। अच्छा, मतलब खाते से निकाल के दिया? खाते से निकाल के दिया हुआ है 60,000 रुपये। किसको दिया? किसको दिया था? अरे मम्मी बता सकते हैं किसको दिया। मैं आप है आपका फूला। कहाँ रहती हैं? कड़कपुर में। ये जो आपको लोहिया आवास मिला है, इसमें क्या क्या सुविधा मिली है आपको? खाली यह सुविधा है जो बन गए, ऐसे बन गए खाली बस। सोलर वोलर की सुविधा नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं। कौन था प्रधान? कल्लू प्रधान। कौन था? कल्लू। कल्लू प्रधान थे। तो ये सोलर वोलर नहीं लगवा दिया आपको? नहीं। खाली कॉलोनी मिली बस। कौन सी कॉलोनी है? लोहिया। लोहिया कॉलोनी। कब मिली थी? अरे वही में बनी है। ठीक। भैया क्या नाम है आपका? देवता प्रसाद। कहाँ रहते हैं? कक्केपुर।
ये जो लोहिया आवास आपको मिला है जी, इसमें क्या समस्या है आपको? हमको कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं है नहीं। तो इसमें सारी चीजें अवेलेबल हैं जो दी गई थी सरकार ने? हमको पैसा मिला है हाँ, उतनी आपके सामने खड़ी। कितना पैसा मिला था आपको? 1,275,000। बाकी का पैसा नहीं मिला? हमारी जो पास हुए हैं आपको पास वो दिखा सकते। इसमें जो सोलर लाइट वगैरह लगना था, पंखा लगना था, बैटरा वगैरह, ये सब मिला था? मालूम नहीं। इसका पैसा आया था आपके पास? ये हमारे पास नहीं आया। आपका पैसा नहीं आया? टोटल पैसा कितना आया था आपके खाते में? 2,75,000। बाकी नहीं आया? नहीं। लेकिन इसका तो मानना कुछ ज्यादा है, तो ग्राम प्रधान साहब ने बात नहीं की इसके बारे में? अब दादी क्या नाम है आपका? अच्छा, जहाँ पर आप खड़ी हैं इस जगह भी हाल ही में फरिंजा लगाया गया है। तो फरिंजा कभी लगाया? हाँ, अच्छा, कभी खरिंजा नहीं लगा, जबकि कागजों पे खरिंजा लग चुका है। अच्छा, ये कौन सा गांव है? ये कौन से ब्लॉक में आता है? हरचंदपुर। हरचंदपुर बताओ। गाजियाबाद के मोदी नगर संपूर्ण समाधान दिवस में अपनी फरियाद लेकर आए मृतक सुशील कुमार की मौत के बाद प्रशासन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां नीरज त्यागी के साथ सैकड़ों त्यागी समाज के लोगों ने तहसील में उपजिलाधिकारी के समक्ष पहुंचकर एक ज्ञापन देकर अपनी मांगों से उपजिलाधिकारी को अवगत कराया, वहीं उपजिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला को त्यागी समाज की अध्यक्षता कर रहे नीरज त्यागी ने बताया कि तहसील में पटवारियों के कार्य करने की प्रणाली सही नहीं है, पटवारियों के द्वारा हर कार्य करने के पैसे मांगे जाते हैं। साथ ही नीरज त्यागी ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि मृतक की जांच उच्च स्तरीय अधिकारियों से होनी चाहिए। ग्रामीण सुशील त्यागी द्वारा हाथ की नसें काटकर जान देने के संबंध में, जैसा कि विदित है, ग्रामीण सुशील त्यागी निवासी ग्राम बिडोड़ी ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार से शुद्ध होकर तहसील दिवस में अधिकारियों के समक्ष अपने हाथ की नसें काटकर जान दे दी। इस अत्यंत दुखद घटना से संपूर्ण त्यागी समाज व क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश है। हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि अगर जल्द ही दोषी लेखपाल या अन्य अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो समस्त त्यागी समाज सड़क पर उतरने को मजबूर होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमारी मांगे, दोषी लेखपाल अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए। बस्ती में पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि थाना रुदौली पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 5 अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्करों को गांजा और 4 पहिया वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रुदौली पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान गांजा नेपाल से खरीद कर बस्ती में बिक्री करने के लिए ले जा रहे 5 अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर अभियुक्तों को न्यायालय बस्ती रवाना किया गया। पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपए इनाम देने की भी घोषणा किया है। थाना रुदौली और स्वाट टीम के द्वारा एक बहुत ही गुड वर्क हुआ है। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे 65 किलो गांजा बरामद हुआ है और इसी के साथ एक पिकअप बोलेरो जो इसके ट्रांसपोर्टेशन में नेपाल से लाकर यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होती है वो भी बरामद की गई है। इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, राजेंद्र, काशीनाथ, रमाशंकर, साहिल और स्वामीनाथ। इसमें काशीनाथ और इनके आपराधिक इतिहास भी है, बाकी सबका आपराधिक इतिहास निकटवर्ती जिलों से चेक कराया जा रहा है इनको गिरफ्तार करके। रायबरेली में जमीनी विवाद के चलते एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव बाबा का पुरवा के मृतक निवासी का अपने पड़ोसियों से विवाद चल रहा था। मृतक भवन निर्माण में सटरिंग लगाने का काम करता था। घटना वाले दिन वो काम से वापस लौट रहा था कि तभी पुरवा चौराहे पर 3 लोगों ने उसे गोली मार दी। मामले की सूचना के बाद पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक CO रामकिशोर सिंह और फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्यों का संकलन किया है। रात्रि 8:30 बजे के आसपास की सूचना है कि एक युवक चमन मोदी, जो यहीं पास के गांव के रहने वाले हैं, वो अपने 2 सालों के साथ यहां अंडे के एक ठेली के पास खड़े थे, शटरिंग काम करते थे बगल में, तो लास्ट में की बात करें तो गाँव के पीछे से तत्काल CC ले जाया गया, लेकिन वहाँ उपचार के दौरान
अभी घर वालों से बात करके दलील प्राप्त की जा रही है और जो भी उन्हें जमीनी विवाद के बारे में बताया है चल रहा था पूछताछ की जाएगी और इसमें अभी मुझे कार्रवाई FIR दिखा करके की जाएगी। औरैया में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक ट्रक ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक चालक की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर जाम लगाया। जाम की सूचना पर कई थाने का फोर्स मौके पर पहुंच गई और गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वैज्ञानिक कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं किसान की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला औरैया जनपद के दिव्यापुर थाना क्षेत्र के कंचौसी मोड़ के पास का बताया जा रहा है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।